नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BHU पाठशाला पे। इस टॉपर्स टॉक सीरीज में हम लोग MA एंट्रेंस की प्रिपरेशन की जो चर्चा करते आ रहे हैं, उसी में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है MA हिस्ट्री की छात्रा शिवांगी चौरसिया जी। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो भी MA की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग MA हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि नो डाउट इनका रैंक भी बहुत अच्छा है। ये अपनी स्टडी प्लान बताने वाले हैं, अपनी स्टडी मटेरियल बताने वाले हैं, तो आपको एक फुल प्रिपरेशन मिल जाने वाला है मात्र 15 मिनट के वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रो दीजिएगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं वैसे तो लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन थी वो भी लखनऊ से हुई है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। और अब मैं पीजी के लिए मैंने यहाँ पे एंट्रेंस डाला था, जो कि अब क्वालिफाई हो गया, उसकी प्रिपरेशन करी थी, और फिर अभी यहाँ से आप मास्टर्स कर रहे हैं। अच्छा शिवांगी जी, आप यहाँ से मास्टर कर रहे हो, तो कभी आपने सोचा होगा कि हमें UG भी यहीं से करना चाहिए था? क्या UG का प्लान नहीं करा था? जी बिल्कुल प्लान किया था, मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने बिल्कुल प्लान किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया था UG में, तो इसलिए मैंने मतलब चैलेंजिंग ले लिया कि मुझे अब PG तो जरूर यहीं से करना है। चलिए, ये बहुत अच्छी, मतलब एक बार आपको पहले असफलता मिल चुकी थी, फिर उसी को आपने सफलता का रास्ता बना लिया अपना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो फिर नो डाउट कि आपने जब भाई होता है कि एक होता है कॉन्सिडेंट एडमिशन हो जाना, लेकिन एक होता है कि उसके लिए प्लान बे में आना, तो आपने तो प्लान बे में आए हो, तो आपकी जो प्लानिंग है बेशक हम लोग को बहुत इंस्पायर करेगी। तो आपकी जो स्टडी प्लान है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है, वो कैसी रही है? मैंने जैसे UG का दिया था, तो मुझे पता था कि इसका लेवल काफ़ी ऊपर होता है, मतलब ऐसे नहीं आप प्रिपेयर कर सकते कुछ भी। वैसे मैंने UG जो किया था वो हिस्ट्री से ही किया था, पर फिर भी आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, पहले सिलेबस को देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ेगा। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन उसी से सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो और बेसिकली टाइम टेबल एक बना लीजिए, और जो जैसे UG वाले बच्चे जो हैं, जो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास हिस्ट्री है, तो मेरे लिए तो इतनी डिफिकल्टीज नहीं थी। जो मेरे नोट्स थे और पिछले साल के पेपर्स थे और थोड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने चेक किया था वगैरह, तो यही सब चीज़ों से मैंने बहुत ज़्यादा देखा, तो इसी से काफ़ी लेट ना। और तो आप देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे कि आपको क्या लगता है कि मतलब इस प्रिपरेशन के लिए जो टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप सेम स्ट्रीम से आते हो, तो कितना टाइम लग जाएगा तैयारी करना हो तो? एक फ्रेशर बच्चों को अगर तैयारी करना हो तो कितना टाइम लगेगा? फ्रेशर्स बच्चों को तो थोड़ी देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्ट्रीम अलग है, तो आपको जब आएंगे यहाँ पे थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। मोस्टली 3-4 मंथ्स अच्छे से, मतलब कहीं करीब 4-5 घंटे आपको ऐसे करना पड़ेगा। और जैसे हम नॉर्मली जिनके पास है वो कर सकते हैं, 2 घंटे इंडियन हिस्ट्री को दे सकते हैं, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब टाइम को स्लॉट में डिवाइड कर दो कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, ऐसे करके पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से आप फिर उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और पूछेंगे कि आपके टाइम ने जब आप तैयारी कर रहे थे, आप कितना घंटा पढ़ाई कर लेते थे इसके लिए? मोस्टली वही 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को। अच्छा, 4 आवर्स ही जाना। अच्छा, तो इतना काफ़ी है लगभग प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, तो आपने जब तैयारी कर रहे होगे तो आप कोई रेफरेंस भी चूज करे होगे प्रिपरेशन के लिए, मटेरियल्स वगैरह, तो क्या मटेरियल आपका रहा है प्रिपरेशन के लिए? बेसिकली नोट्स हैं, और जैसे थोड़ी बुक्स हैं, जैसे दीनानाथ वर्मा की वर्ल्ड हिस्ट्री है। अच्छा, और आशीर्वादीलाल से नोट कर लेना, दीनानाथ वर्मा हिस्ट्री है। अच्छा हाँ, और तो इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। AK मित्तल की मॉडर्न हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा तो नहीं सब किताबें बहुत मोटी हैं, आदमी जाके खरीदे? नहीं, बहुत उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एक ही बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली सब समझ आ जाएगा, उसके बाद नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हम लोग प्रीफर कर सकते हैं? आपका ही, आपके चैनल से मैंने बहुत हेल्प ली है, बाद में मुझे बहुत हेल्प मिली है आपके चैनल से, तो ऐसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत हेल्प। वैसे गुड न्यूज़ है, इस बार आप ही के क्लासमेट्स मेरे यहाँ रन भी करा रहे हैं कोर्स। वैसे आप लोग अगर UG की तैयारी UG की तो कर रहे हो तो अच्छी बात है, वो भी हमारे यहाँ हो रही है, और PG की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, मैम लोग ही पूरा कोर्स रन करा रही है, तो आप लोग बेशक ज्वाइन करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, इस चीज़ को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो ये पूरा जर्नी रहा है प्रिपरेशन का, UG आपने करा, फिर PG में आप यहाँ के पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आने के बाद ये आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं आपने एक थॉट बनाया था, एक एम था कि नहीं हम वहाँ चल के पढ़ेंगे, और वो चीज़ें अब नहीं फील कर पाते हो? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आप साइबर लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप कम से कम 5-6 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेरा तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइब्रेरी, और भी बहुत कैंपस बहुत मीन्स आपका भी वो ड्रीम प्लेस हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, ड्रीम यूनिवर्सिटी का ड्रीम प्लेस। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कैंपस वगैरह है और बहुत अच्छा माहौल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे
अच्छा, तो इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपके फेवरेट प्लेसेस कौन कौन से हैं। मैंने ज़्यादा अभी तक घूमा नहीं है क्योंकि अभी मुझे 2 months ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वैसे तो यहीं कैंपस ही मैं ज़्यादातर देखी हूँ, और वैसे 80 घाट और थोड़ा सा बनारस की चीज़ें खाई हुई हूँ तो अच्छा है वो। अच्छा, खाया अभी। स्ट्रीट फूड में क्या पसंद है आपको बनारस का? वैसे तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, मोमोज खाए थे और डोसा अभी। और लखनऊ की क्या है स्ट्रीट फूड फेमस जो है? लखनऊ की तो आप हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है। अच्छा, लखनऊ का। अच्छा, वो यहाँ नहीं मिला क्या ढूंढने में? नहीं, यहाँ नहीं। देखो, यहाँ की स्ट्रीट फूड के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ की स्ट्रीट फूड जो सबसे ज़्यादा फेमस है और ट्रेडिशनल मानी जाती है वो है कचौड़ी। जो कचौड़ी होती है और सब्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा मिक्स वेज बनाई जाती है जनरली। और ये आपको जैसे आजकल ज्ञान मापी का मुद्दा बहुत फेमस है, तो जो आपका गुदौलिया वाला रोड है और जो ज्ञान मापी का पूरा रोड है, वो पूरा चौक वाला जो एरिया है वो ट्रेडिशनल है। हमेशा वहाँ पर कचौड़ी बिकता है, जलेबी, दही, ये दो चीज़ें वहाँ बहुत। वैसे तो अब तो धीरे धीरे हर स्ट्रीट फूड माइग्रेट हो रहा है हर सिटी में, तो अब तो मोमोज भी मिल जाता है, मसाला डोसा सबसे ज़्यादा बिकता होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ डोसा। और वैसे मैं कैंपस का एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी कैंपस बहुत सस्ती मिलती है। पिया कभी? नहीं, मैंने ट्राई नहीं। भीटी पे ट्राई करना कभी। मुझे लगता है दुनिया के सबसे छोटा, सबसे सस्ता कोल्ड कॉफी बनारस में मिलता है, वो भी भीटी मिलता है। बाकी बाहर जाओगे तो 200 सस्ता है। अच्छा, खाने के मामले में काफी सस्ता है, लखनऊ से तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा, मतलब ये सिटी अफोर्डेबल है? हाँ, काफी। अच्छा, काफी अच्छा है। और फैशन के मामले में कैसा लगा? फैशन मतलब इन द सेंस की ब्रांड कंपनियां और यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं वो कैसा है, मॉल वगैरह? वैसे ठीक है, मैंने अभी इतना देखा नहीं। नहीं, लखनऊ की कंपनी नीचे होगा। हाँ, तो वो कैपिटल सिटी है। हाँ। वहाँ के ऑफिशियल्स रूट जो है वो बहुत फेमस होंगे, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल सिटी है। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अच्छा, ये जो दोस्तों का आपका एक जो एक कोलेबोरेशन रहता होगा कभी कभी, फन मस्ती के लिए क्या करते हो आप पढ़ाई के साथ साथ? मोस्टली तो वैसे हम लोग वही कभी शाम को डिनर करने कहीं चले जाते हैं। अच्छा। और मतलब वीकेंड पे ही हम लोग ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, ऐसे तो इतना टाइम नहीं मिलता है, लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम रहते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे और जानना चाहेंगे, भी बड़ा आस्किंग क्वेश्चन हो जाता है कई बार, मुझे गार्जियन भी फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, तो इज़ यूनिवर्सिटी सेफ फॉर गर्ल्स? तो आप बताओगे सेफ्टी सिक्योरिटी पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यूनिवर्सिटी कैसा है? वैसे मोस्टली तो सब सही है, मतलब यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है, पर थोड़ा मतलब आप अपने हिसाब से, अपना प्लेस और टाइम के हिसाब से मतलब चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो, 2 मिनट और, डॉग वगैरह आ गए, 2 मिनट और मैनेज कर लो, ठीक है? हाँ, कैसे रहा? 2 मिनट और दोस्तों, ठीक है? हाँ, तुम लोग परेशान मत करना मैम को, 2 मिनट और, ठीक है? ठीक है, हाँ, कंटिन्यू। तो वही उस हिसाब से ठीक है, बिल्कुल गर्ल्स के लिए सेफ है। अच्छा है, मतलब आप रिकमेंड कर सकते हो। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि आप जो व्यूवर्स हैं, फाइनली जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लॉयल एंट्रेंस के एस्पायरेंट हैं, आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि इनको लगभग अपनी पढ़ाई में किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, और जिससे कि इनका निकल जाए, कितने दिन में प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी? वैसे मोस्टली 2 महीने बहुत सही है, मतलब अगर सेम स्ट्रीम से आ रहे हैं तो 2 महीने, वरना आप 4 months रख लीजिए, काफ़ी है। लेकिन आपको रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि लास्ट टाइम पे सब कुछ इतना वाइड सिलेबस है हिस्ट्री का कि लास्ट में सब एक में मिक्सचर हो जाता है। याद करने के लिए जरूरी है कि आप उसको, कि आपको रिवीजन करते रहे लास्ट तक, लास्ट में मतलब सब कुछ इतना पढ़िए कि बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें, तो इट मीन्स आप एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, फिर तुम्हारा खुद का नोट्स मेकिंग भी होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स रिवीजन आपको शॉर्ट में बनाने होंगे क्योंकि आप लास्ट टाइम पे बुक नहीं पलट सकते, इतनी मोटी मोटी बुक्स, तो आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है और उसी को बाद में रिवाइज कर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात है, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ? एक्चुअली आज का जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कभी कोई डिप्रेशन फील करता है, तो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहोगे कि आपकी इतनी मतलब इतना स्माइल, इतनी हैप्पीनेस के साथ चीज़ों को बताते रहते हो? मेरी 2 दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई है, तो मैंने इस चीज़ को पर्सनली फील किया है कि स्टडी में बहुत अच्छा फोकस रहते हो, तो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे कि आप ये कैसे कर लेते हो, मतलब आपके लिए कितना अच्छा ये एक मोटिवेशन खुद में रहा है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है कैसे? हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो आप खुद ही बनाते हैं, अगर आप किसी चीज़ में इतना ओवरथिंक करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे कैसे नहीं, हमारा नहीं होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल हो जाएगा,
और आप अपने हिसाब से अपना प्लानिंग करिए, तो अपने हिसाब से बनाइए स्ट्रेटजी पूरी पूरी, मतलब कुछ भी अलग नहीं करना है। अच्छा, तो बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इस इंटरव्यू को चाहो तो आप लोग का फिर से लगा लेना, प्लेबैक पे लगा के फिर से देख लेना, जिससे आप नोट डाउन कर लेना कि मैम ने क्या क्या पॉइंट बोला है प्रिपरेशन के लिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, एम ए हिस्ट्री प्रिपरेशन का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्मूथली कर सकते हो। क्योंकि बीएचयू पाठशाला पे अभी आपकी पूरी एम ए की एंट्रेंस प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, पेड कोर्स ज्वाइन करना है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्टली मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, मैम ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। और मैम अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे इंटरेक्ट होकर के, बहुत सारी बातें बताने को मिली, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जितना भी करें, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। हमारे टाइम में तो मैंने भी हेल्प लिया था बहुत टाइम तो, लेकिन हम यूजी में थे तो नहीं था ऐसा कुछ, तब मुझे पता नहीं था। यूजी के टाइम पे मेरा चैनल भी नहीं था तो तभी मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, तभी उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो गई थी, वरना आप कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कोई सेक्शन बहुत अच्छा लगा हो और कोई सेक्शन में आपको बातें नहीं समझ में आई हो तो, ठीक है। और इस वीडियो के सीरीज की जो कंटिन्यूस आ रही है पार्ट्स, उसको भी देखते जाना और प्रिपरेशन अच्छे से करना, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूले और बहुत आराम से तैयारी करें, स्मूथली तैयारी करें। और हम आपके साथ हैं हर एक अपडेट्स के लिए, हर एक प्रिपरेशन के लिए, मटेरियल्स के लिए, मोटिवेशन के लिए, टॉप स्टॉक के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, मतलब कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपको चैनल पर नहीं मिलेगा। सो हर महादेव जैसे कि राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।